अस्सलाम वालेकुम, आज हम पढ़ेंगे नोज़ एंड पैरानेजल साइनसेस। तो पहले हम नोज़ की बात करते हैं। नोज़ के दो फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन एक ऑर्गन ऑफ स्मेल है और एक रेस्पिरेटरी पैसेज प्रोवाइड करता है। जो अब ऑल्फैक्टरी मसल्स होते हैं, मतलब जो स्मेल के लिए होते हैं, अपर 1/3 ऑफ क्रेनियल कैविटी में होती है। मतलब इसके जो अंदर क्रेनियल कैविटी होगी ना, उसके 1/3 में होते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है ना, वो सिर्फ अपर 2/3 में होता है, अपर 1/3 में होता है। जो लोअर 1/3 होता है ना, वो वहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा सिर्फ अपर 1/3 में होता है, बाकी जो लोअर 2/3 है वहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है। जो इसमें बहुत से सीरस ग्लैंड होते हैं और म्यूकस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जो सीरस ग्लैंड होते हैं ना, उनकी सिक्रीशन की वजह से एयर मोस्ट, उसके अंदर जो हवा है ना, उसकी मॉइस्चराइजेशन हो जाती है। और म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से डस्ट और पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, मतलब जो वो उनके म्यूकस ना उसको ट्रैप कर लेता है। इस तरह ना जो नोज़ हमारी होती है ना, एयर कंडीशनर के तौर पर काम करती है। हमारी आग हमारी जो एयर को अंदर लेकर जाती है, उसे गर्म करती है, उसको मॉइस्चर करती है, क्लीन करती है, इससे पहले कि वो लंग्स में चल जाए। लंग्स में जाने से पहले इसको वार्म करती है, गर्म करती है, मॉइस्चर करती है और क्लीन करती है। हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा की। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा अपर 1/3 ऑफ द नेजल कैविटी में होता है। ठीक है, उसमें उसकी रूफ आ जाती है। मतलब मैंने आपको दिखाया ना, तो ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ होता है। एक्सटर्नल लॉज की हम बात करें, एक्सटर्नल लॉज की हम बात करें, तो इसमें इसका ये हमारी नोज़ है सारी की सारी, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, बोनी भी होता है और आर्टिलेजनस भी होता है। जो बोनी पार्ट होता है वो सबसे पहले की क्या है, ये ऊपर हमारी लगी हुई है नेजल बोन आ जाती है। इसके अलावा बोनी बोन ये मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस है। फ्रंटल बॉक्स ऑफ मैक्सिला आ जाता है और नेजल बोन आ जाती है। दो चीज़ें हमारी एक्सटर्नल लॉज को बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्टिलेज होते हैं। तीन तरह के कार्टिलेज होते हैं। सेप्टल कार्टिलेज जो अंदर होगा, ये मिड सेक्शन है ना, ये हमारा अंदर से दिखाया हुआ, तो जो सेंटर में है ना, उसको हम कह रहे हैं सेप्टल कार्टिलेज। मतलब ये जो सेंटर में हो, ये वाला, इसको हम कह रहे हैं सेप्टल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज हो गया। इसके अलावा इसका कार्टिलेज जो सुपीरियर इंफीरियर कार्टिलेज होता है, ये सुपीरियर कार्टिलेज और ये इंफीरियर कार्टिलेज। इसके अलावा ना एलर कार्टिलेज होते हैं, ये हमारी जो लेटरल साइड होती है ना नोज को, इसको एलर कहते हैं। तो एलर कार्टिलेज होते हैं और एलर फिब्रा टिश्यू भी होते हैं। ये जो है माइनर एलर कार्टिलेज है, ये मेजर एलर कार्टिलेज है। ठीक है, मेजर का अब ऊपर जो लेटर साइड पे है वो लेटर क्रस, जो मीडियल साइड पे चला जाता है इस तरह फोल्ड होके, तो वो हमारा मीडियल क्रस बन जाता है। माइनर एलर कार्टिलेज, मेजर एलर कार्टिलेज, और ये हमारे पास है एलर फिब्रो फैटी टिश्यू। ठीक है ना, इसने सारा हमारा एलर बना दिया। और ये ऊपर है सेप्टल नेजल कार्टिलेज, जिसके लेटरल प्रोसेसिस है। सेंटर में हमारा सेप्टल नेजल कार्टिलेज था ना, उसके जो साइडों से प्रोसेस निकल रहे हैं वो है। सेंटर में हमारा पूरी जो सेपरेशन करता है राइट और लेफ्ट नोज की, तो वो जो हमारे सेंटर में होता है सेप्टल नेजल कार्टिलेज, उसके लेटर प्रोसेसेस निकले हुए एक यहाँ पे और इधर वाली साइड पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले रूट होती है। ये हमारी रूट है, रूट ऑफ द नोज। डोर्सम, ये सारी डोर्सम है, इस सारे एरिया को हम डोर्सम कहते हैं। टिप ऑफ द नोज, इसको कहते हैं। इसके अलावा इंटीरियर नेयर्स, ये नोस्ट्रिल्स और नेयर्स, और नेजल सेप्टम, जो सेंटर के में अंदर ये जो सेप्टम है वो पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं, जो अंदर की तरफ गया हुआ है उसको सेप्टम, और इस पोर्शन को हम क्लोमेला कहते हैं। यहाँ पे फिब्रो टिश्यूज होते हैं, इस पोर्शन को हम क्लोमेला कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी नोज है, इसको सप्लाई कौन कौन करता है? इसको तीन तरह की नर्व सप्लाई करती हैं। एक्सटर्नल नेजर, मतलब याद रखने के नेजल से बाहर आ रही है। इसके अलावा दो आई से रिलेटेड होते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल और
ये हमारे ऑर्बिट पर पड़े हुए हैं, इसके नीचे से जो गुजरेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल ये फोरम है ना, इसके जरिए से आएंगे। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स, एक्सटर्नल लेजर नर्व और इसके अलावा इंफ्रा ट्रोक्लियर नर्व होती है। ट्रोक्लिया हम कहते हैं आई का एक मसल होता है, उसके उसके लिए पुली बनाता है, तो उस पुली को हम ट्रोक्लिया कहते हैं। तीन तरह के नर्व्स होते हैं, एक्सटर्नल लेजर, इंफ्रा ट्रोक्लियर एंड इंफ्रा ऑर्बिटल। अब हम नेजल कैविटी की बात करते हैं। नेजल कैविटी का रूफ होता है और नेजल कैविटी का फ्लोर होता है। ये देखें नेजल कैविटी का रूफ और ये हमारी सारी नेजल सेप्टा अंदर से दिखाया हुआ, तो नेजल कैविटी भी ऐसे ही होती है। इसकी जो रूफ होती है ना, रूफ ये सारी रूफ होती है, रूफ ये सारी रूफ ऑफ द नोज होती है, ठीक है। नेजल कैविटी की रूफ होती है ये सारी, यहाँ से लेकर ये पर भी और ये नीचे भी, इसलिए ये पीछे को भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है और आगे को भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इधर से पीछे को भी डाउनवर्ड और नीचे को भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी इंटीरियर स्लोप होती है और पोस्टीरियर स्लोप होती है। इंटीरियर स्लोप नेजल, इंटीरियर स्लोप बनती है फ्रंटल बोन से, ये हमारे पास नेजल बोन है, एक इससे बनती है, ये ऊपर हमारे पास बनी हुई है, मतलब रूफ की ये वाली बात हमें करनी है और ये वाली बात करनी है। इसकी फ्रंटल किससे बनती है, फ्रंटल हमारी बनती है सबसे पहले तो ये नेजल कार्टिलेज आ गए, उसके ऊपर ये हमारे पास ये येलो कलर की है, ये नेजल बोन है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर की है ना, ये फ्रंटल बोन है। अब फ्रंटल बोन के तीन पार्ट्स, सिक्वेमस जहाँ पे ये पेट्रल खोखली सी बोन होती है इसको सिक्वेमस पार्ट कहते हैं, फ्रंटल साइनस जहाँ पे खाली जगह है, और ये जो नेजल स्पाइन जो नाक का हिस्सा बना रही है, नेजल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन, नेजल बोन और कार्टिलेजेस, ये इसकी रूफ बना रहे हैं, रूफ की इंटीरियर स्लोप बना रहे हैं। ये अब हमारे पास आ गई है रूफ की पोस्टीरियर स्लोप। पोस्टीरियर स्लोप ऑफ द बनती है, ये हमारे पास पोस्टीरियर स्लोप बनती है एथमोइड से और इसके अलावा स्फीनोइड से, बॉडी ऑफ द स्फीनोइड, ये हमारे पास स्फीनोइड है, इसकी बॉडी से बनती है, ठीक है ना। फ्लोर की हम बात करें तो फ्लोर, ये इसका फ्लोर है, ठीक है, ये हमारी जो वो है ना नेजल कैविटी उसका फ्लोर है। ये कैसे बनती है, ये हमारे पास ना ये पिंक कलर की जो है, ये सारी पिंक कलर की जो है ना, ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला का पैलेटिन प्रोसेस है, ठीक है, ये फ्लोर बना रहा है। पैलेटिन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एक फ्लोर बना रहा है और एक ना हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन इसकी बनाती है। ये जो है ना, ये सारा का सारा ये फ्लोर बना रहा है, ठीक है हमारा, ये यहाँ से लेकर ये सारा। अब ये जो ब्लू कलर की बोन है ना, ये हमारे पास पैलेटिन बोन है और ये पिंक कलर की वो है मैक्सिला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना मैक्सिला का पैलेटिन प्रोसेस है, और ये जो है ना इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटिन। इस तरह इसकी फ्लोर बनता है पैलेटिन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से और पैलेटिन हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटिन से, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल्स की बात करें तो रेनिटिस या कॉमन कोल्ड हो सकता है, रेनिटिस या कॉमन कोल्ड हो सकता है, इसमें ये इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पैरानेजल साइनसिस हो सकते हैं, हमारे पास ना नेजल में साइनसिस होते हैं, नेजल के साउंड में ना काफ़ी सारे साइनसिस होते हैं, मैं बताऊँगी आपको। मैक्सिलरी साइनसिस होते हैं, ये हमारी मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग यहाँ पे खुलती है। तो अगर मैक्सिलरी साइनस सबसे कॉमन होता है पैरानेजल साइनसिस की उसमें, और वो कहते हैं कि ना ये देखें डायग्राम, ये जो हमारी ऊपर से है ना नोज के इंटीरियर क्रिबली फ्रॉम, ये हमारी पास क्रिब्रम फ्रॉम प्लेट है, इसके ऊपर जो पोर्शन होता है ना वो इंटीरियर क्रैनियल फोसा होता है, ठीक है। अब ऊपर इंटीरियर क्रैनियल फोसा है, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पे इसके ये वाले पोर्शन में यहाँ पे होता है लैक्रिमल ट्यूब खुलती है, ये देखें यहाँ पे ना ऑस्ट्रीजियन ट्यूब खुलती है,
वो क्रिबरी फॉर्म्स की वजह से, वो अगर इन्फेक्शन नाक में हो गया ना, तो उसकी वजह से वो इंटीरियर क्रैनियल फोसा में चले जाएगा, मतलब ब्रेन में चला जाएगा। और ये ना लिक्राइमर, ये जो है ना यहाँ पे खुलती है नेजो लिक्राइमर डक्ट, मतलब नाक नाक और हमारी आंखों का आंखों के आंखों में होते हैं लिक्राइमल ग्लैंड, वहां से ये नेजल कैविटी में खुल रही होती है, इस वाया द नेजो लिक्राइमल डक्ट। तो वो कहते हैं कि ना हमारे नाक का डायरेक्शन ना ऊपर क्रेनियल फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा से भी होता है, और नीचे नेजो लिक्राइमल प्लेटर से भी होता है। इस तरह ना अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया ना, तो वो ऊपर ब्रेन में भी जा सकता है, और आई ये चल जा सकता है नेजो डक्ट से, नेजो क्राइमल डक्ट से भी आई में भी हमारी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, वो अगर टियर हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, सी एस एफ ना नाक से बाहर आने लग जाता है, नेजल कैविटी से बाहर आने लग जाता है, इसको हम कहते हैं सी एस एफ राइनोरिया।